हैं कि कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है, और हम यहाँ पर सब बैठे लोग ये भी जानते हैं कि पिछले पौने दो महीनों 4 जून को हम चुनकर आए थे, और मेरे को लगता बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिछले पौने दो महीनों में मैंने सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट की चिट्ठियाँ के ऊपर साइन किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। आपका प्रश्न क्या है? मेरा सवाल यह है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इससे कोई बच नहीं पाया, बहुत खतरनाक बीमारी है, क्या ऐसा हो सकता है जहां पर हम ये कहते हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत बन चुका है या बनने जा रहा है, और आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो कैंसर का इलाज कराने के लिए यहां धक्के खा रहे हैं, कोई वहां धक्के खा रहा है, कोई हमारे से साइन करा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है इस देश में कि जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, उन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जब मिडिल क्लास लोग हैं, उनका इलाज मुफ्त किया जाए, दवाई सस्ती क्यों करनी है? कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इसकी तकलीफ जिस परिवार पर पड़ती है एक तरीके से उस परिवार की स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने इसके लिए बहुत से कदम उठाए हैं, और कदम उठाने की दृष्टि से कैंसर केयर यूनिट्स का लगने से लेकर के आयुष्मान भारत में 50 करोड़ पीपल, 10 करोड़ 34 लाख फैमिलीज को 5 लाख रुपए का सालाना असिस्टेंस दे करके उनको आयुष्मान भारत में सपोर्ट करने का प्रयास किया गया। तो जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को इसमें जोड़ करके देखने का प्रयास हुआ है ताकि कैंसर का इलाज हो सके। उसी तरीके से जो बहुत से जो प्रोसीजर्स हैं कैंसर के, वो जो बीपीएल वाले हैं उनका तो फ्री भी होता है, लेकिन बहुत सी जगह पर जो हम लोगों का फ्री डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हम लोगों ने दी है राइट फ्रॉम पीएचसी से लेकर के टर्शियरी केयर यूनिट तक, उसमें इन सारी चीज़ों की चिंता की जाती है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इस पर 3 बातों पर काम कर रहे हैं, एक तो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंशन पर भी बहुत काम चल रहा है क्योंकि इसकी प्रेवलेंस ना हो, और प्रमोटिव हो ताकि हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं। कई लोग हमारे को बहुत कहते भी हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हर टोबैको पर हम लोगों ने लेबल लगा करके कैंसर के इम्पैक्ट्स को बताने का प्रयास किया है। उसी तरीके से टोबैको का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको भी बताने का प्रयास किया है, और प्रिवेंशन के दृष्टि से और जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो किए गए हैं। जहाँ तक क्यूरेटिव का सवाल है, हमारी कोशिश है कि हम कैंसर पेशेंट को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल उनकी दवाई का इलाज उनके इलाज की व्यवस्था कर सकें, और इस पर सरकार प्रयासरत है। सुश्री